से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं, ठहर जाए मरीज गम अभी वो आए जाते हैं, और हिना हाथों पे और रंगीन बनाने के लिए मेहंदी की जगह पत्थर पे दिल पिसवाए जाते हैं। आइएगा एक छोटा सा प्रयास है, सुने आइएगा सुने गीत बजा कौन सा बेटे कि अगर मांग ले तू ए जाने जिगर किसी को तो किसी को सुरा
बांट रहे हैं और किसी को सुरा यानी शराब बांट रहे हैं। अमृत किसी को दो, किसी को सुरा, तो कहना पड़ा क्या? कहा माता लक्ष्मी ने कहा स्वामी कैसे जना से, कैसे जना से तुम जनी बन गए। अरे पुरुष से स्त्री कैसे बने? कैसे जना से तुम जनी बन गए। ओ स्वामी सुना है कि तुम मोहिनी बन गए। अरे मैंने सुना है कि आप मोहिनी का रूप धारण करते हैं और एक बार नहीं ऐसे कई बार आपने मोहिनी रूप धारण किया। लेकिन समान भैया कहा क्या कहा? सुना है कि तुम मोहिनी बन गए, लेकिन कैसे? कैसे उपमा दी जा रही है भगवान श्री हरि को। कोट कामरूप ओ ये क्या बात, क्या बात है। कोट कामरूप कामनी बन गए, सुना है कि तुम केवल तीन मोहिनी रूप ही दिखा रही हूं अपने गीत में। सुनिएगा, जब भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिसके सर पर भी हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, और जब वरदान आजमाने के लिए भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के सर पर ही हाथ रखने लगा तो कहना पड़ा क्या? शिव ने पुकारा था जप कर हरि, हरि आके तत्क्षण समस्या हरि। भगवान श्री हरि तुरंत ही आ गए भगवान भोलेनाथ के पुकारने पर, और जैसे ही आए तो देखेगा समस्या का निवारण कैसे हो रहा है। कैसे? हर ली थी हर की समस्या विषम, नाच कर कराया था भस्मा भस्म। भगवान श्री हरि विष्णु ने नाच कर कराया था भस्मा भस्म, तो कहना पड़ा क्या? कंगन से मानो, कंगन से मानो पैजनी बन गए। कंगन से मानो पैजनी बन गए, सुना है कि तुम मोहिनी बन गए। और कैसे? कैसे अंगूठे से जैसे तर्जनी बन गए। जैसे भगवान भोलेनाथ को उपमा दी जा रही है कंगन की पायल की, वैसे ही अंगूठे और तर्जनी उंगली की भी दी जा रही है। अंगूठे से मानो तर्जनी बन गए, सुना है कि तुम भोलेनाथ ने और माता लक्ष्मी ने दोनों ने भगवान श्री हरि से निवेदन किया कि स्वामी हम आपके एक बार मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहते हैं। देखेगा उनका आग्रह मान के भगवान श्री हरि ने क्या किया।